ओला कैब बुक कैसे करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूं मुन्ना और आप देख रहे हैं मुन्ना टेक जोनर। आज हम आपको दिखाएंगे ओला कैब को बुक कैसे करते हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हमारा चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ओला कैब इंडिया में बहुत दिनों से चालू है और इसके मदद से काफी सारे लोग अपने मंजिल तक सफर भी कर रहे हैं। ओला कैब की मदद से आप एक जगह से दूसरे जगह या एक शहर से दूसरे शहर बहुत ही आसानी से आप जा सकते हैं। ओला कैब को कैसे बुक करते हैं अगर आपको पता नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ओला कैब बुक करने के लिए आपको एक एप्स को इंस्टॉल करना है और वो एप्स आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो चले प्ले स्टोर में जाते हैं। जब आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो आपको इधर सर्च करना है ओला लिख के। तो चले ओला लिख के सर्च करते। जब आप ओला लिख के सर्च करेंगे तो आपके पास एक एप्स दिखाई देगा, तो वो वाला एप्स को आपको इंस्टॉल करना है। तो ये देखिए ये वाला आ गया, तो इसको हम अभी इंस्टॉल करेंगे। तो चले इसको इंस्टॉल करते। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको इसको क्या करना है, ओपन करना है। तो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, ये देखिए। ओपन करने के बाद एक फोन नंबर से इसको आपको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद ही आप इससे कार बुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए फास्ट इसको ओपन करते हैं। ये देखिए डाउनलोड हो गया। तो आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप आएगा। तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू विद फोन नंबर इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का आएगा। तो आपको क्या करना है, इधर अपना नंबर डाल के नेक्स्ट में क्लिक करना है। तो चलिए अब नंबर डाल दे और नेक्स्ट में क्लिक करते। जब नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो आपके पास एक 4 डिजिट का कोड जाने वाला है, जो इधर डाल के आपको वेरीफाई कर लेना है। तो चलिए वेरीफाई कर लेते। जब वेरीफाई हो जाएगा तो आपके पास कुछ इस टाइप का आएगा। तो आपको इधर क्या करना है, आपको एलो में क्लिक करना है। तो चलिए इधर एलो कर देते। एलो करने के बाद आपको और एक ऑप्शन आएगा, तो इसको भी एलो कर देना है। एलो कर देंगे तो इधर और एक ऑप्शन आएगा, तो आपको इसको भी एलो कर देना है। एलो कर देने के बाद आपका एप्स ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ऊपर एक ऑप्शन दिखाएगा योर करेंट लोकेशन। अगर आप कोई कार बुक करते हैं तो आपको लेने के लिए आपके पास करेंट लोकेशन पे आ जाएगा, और आप जिधर जाना चाहते हैं उस जगह का नाम आपको इधर सर्च डेस्टिनेशन में लिख के सर्च करना है। सर्च करेंगे तो कितना प्राइस लगेगा उस जगह में जाने के लिए वो दिखा देगा। तो चलिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का आएगा। तो आपको क्या करना है, जिस जगह में आप जाना चाहते हैं उस जगह का नाम इधर आपको लिख देना है। जब लिख देंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का आएगा। तो इधर ये देखिए 4 कार्ड दिखा रहा है और कितना प्राइस वो भी दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, जो पसंद है उसमें आपको क्लिक करना है। तो चले कोई भी एक कार में क्लिक करते हैं। 1 नंबर में है बुक एनी, 2 नंबर में मिनी, 3 नंबर में प्राइम सेडान और 4 नंबर में प्राइम प्ले। तो जो वाला कार आपको पसंद है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो मैं प्राइम सेडान के ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा बुक प्राइम सेडान, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का आएगा। तो आपको क्या करना है, कन्फर्म पिकअप में क्लिक करना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का आएगा। तो आपको प्रोसेस कर देना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का आएगा। ये देखिए इधर कनेक्टिंग ड्राइवर्स नियर बाय दिखा रहा है, मतलब आपको कोई कार ड्राइवर से कनेक्ट कर रहा है। अगर आपको कार बुक नहीं करना है तो आपको बैक कर देना है, नहीं तो कार बुक हो जाएगा तो आपका करंट लोकेशन पे आ जाएगा। अगर गलती से कोई कार बुक हो जाता है तो उसको कैंसिल करने के लिए आपको क्या करना है, ये वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। बैक में क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का आएगा। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको योर आईडी दिखाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक कार बुक हो गया, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कैंसिल वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये देखिए कैंसिल वाला ऑप्शन। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कोई भी एक रीजन डाल के आपको कैंसिल में क्लिक करना है। जब कैंसिल में क्लिक करेंगे तो आपका कार बुक कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए कैंसिल हो गया। उम्मीद करते हो कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए।